इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमने मई जून 16-21 ओ लेवल्स 7110 में मई जून 16-21 में क्वेश्चन आया था, हम करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में से। क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले जो है ना इसके अंदर आपको कुछ चीज लिखनी पड़ेगी। देखिए बैंक अकाउंट दिया है आपको, समराइज बैंक ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर, रिसीट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जो पैसे मिले वो हैं, कैश सेल्स बैंक ने, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट की है, क्रेडिट पे वो लिखी हुई है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, रेंट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑल कैश सेल्स वर बैंक ऑन द डे ऑफ रिसीट विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वर पेड आउट ऑफ कैश रिसीट्स, वेजेस, ड्रॉइंग्स, इस तरह बैलेंसेस दिए हुए ओपनिंग और क्लोजिंग। और उसने कहा है कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडेड रेवेन्यू निकालना है आपने, बैंक का क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है, कैपिटल भी एट द एंड आपने निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए अगेन कैपिटल एट द स्टार्ट गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट आसानी के साथ। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे जी हम, 11,000 कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान, 11,000 प्लस 12,000 प्लस 17,600 माइनस 9,750 माइनस 300 प्लस 500 प्लस 3,950। आना चाहिए ना 35,000 ही आना चाहिए कैपिटल। दोबारा करो, 11,000 प्लस 12,000 प्लस 17,600 माइनस 9,750 माइनस 300 प्लस 500 और प्लस 3,950 जो बैंक का बैलेंस है। हाँ जी, 35,000 हमारा कैपिटल निकला है। ठीक है, ये वही ओपनिंग कैपिटल निकला है जो कि आप नॉर्मली निकालते होते हैं। कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, तो मैंने वही किया है, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज ही मैंने किया, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट हो गई है। अब यहाँ पे आप एक नोट लिखना है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स, some expenses are paid in cash from cash sales, if some expenses are paid in cash from cash sales, we have to prepare cash account to find total cash sales. If some expenses are paid in cash from cash sales, we have to prepare cash account to find total cash sales. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कैश अकाउंट ही बनाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल बिकॉज ओपनिंग कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो देयर इज नो नीड टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल एज इट इज ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। लेकिन कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और कैश अकाउंट हम कब बनाते हैं, इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स, वी हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। उस सूरत में कैश अकाउंट में यहाँ पे क्या जाता है, डेबिट पे ब्रॉड डाउन, जो कि सवाल में फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ, सवाल में ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन मौजूद नहीं है, यानी कि है ही नहीं, कैरेट डाउन आ जाएगा इधर आपका आ जाएगा जी, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इधर आपके आ जाएंगे जी क्रेडिट सेल्स। ठीक हो गया जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। देखिए ट्रेड कैश की बात, सॉरी मैं गलत कर गया हूँ, कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, मैंने चीजें गलत लिख दी, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन की तरफ आ गया हूँ, जबकि हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट थोड़ी है, मैंने गलती से समझा कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं हम। नो, वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, देयर इज नो ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। यहां पे आप क्या लिखेंगे, हमारी आएगी कैश सेल्स, अभी आपको समझ आ जाएगी दो मिनट के अंदर, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखिए ऑल कैश सेल्स वर बैंक, आपने सारी की सारी कैश सेल्स बैंक में जमा करा दी,
लिखी हुई कैश सेल्स बैंक, लिखी हुई कैश सेल्स बैंक 7400, हमने सारी कैश सेल्स बैंक में जमा करा दी, सवाए कुछ एक्सपेंसेस के जो आपने कैश में पे किए, वेजेस और ड्रॉइंग्स, 9000 की वेजेस हैं, 11500 की ड्रॉइंग्स है, ये अमाउंट आपके आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट के, वेजेस हैं आपकी 9000 की और ड्रॉइंग्स हैं आपकी 11500 की, और डेबिट साइड पे आपकी कैश सेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे और क्या चीजें क्रेडिट साइड पे आएंगी, कैश बैंक जो कैश आपने बैंक में जमा कराया है वो कितना है 7400, इसका हम कर लेंगे टोटल, आपके पास टोटल कैश सेल्स हम फाइंड कर लेंगे, टोटल कितना आता है जी इसका, ये भी आ जाएगा कितना 27,900, और कैश सेल्स आपकी कितनी आ जाएंगी 27,900। अब जरा गौर करें, टोटल कैश सेल्स हमारी 27,900 की थी एक्चुअली, उसमें से हमने कुछ कैश सेल्स बैंक में जमा करा दी थी 7400 की, कुछ अमाउंट की हमने वेजेस पे कर दी थी 9000 की, और कुछ हमने ड्रॉइंग्स कर ली थी 11,500। अगर आप एंट्रीज पास करें तो एंट्री क्या बनती है भी वेजेस की, वेजेस डेबिट और कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है वेजेस की वजह से, ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है ड्रॉइंग्स की वजह से, कैश बैंक की एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, तो वो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, और देखिए बैंक डेबिट हो रहा है, ये देखिए बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, उधर भी आ रहा है बैंक की डेबिट साइड पे भी आ रहा है, और कैश की क्रेडिट साइड पर भी आ रहा है, और ये कैश सेल्स की आज मतलब आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या एंट्री इसकी, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, मैं क्या लिख रहा हूं जी, कैश बैंक विल कम both on the debit side of bank account and credit side of cash account. यानी कि कैश बैंक जो है वो कैश सेल्स का वो हिस्सा जो आपने बैंक में जमा करा दी है वो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर भी आएगा और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी आएगा, दोनों जगह हम उसको रिकॉर्ड जो है वो आपको करना जो है पड़ेगा। कैश अकाउंट जो है वो हमारा हमने बना लिया और कैश सेल्स हमने उसे फाइंड करना, अब यार हमने फाइंड करनी क्रेडिट सेल्स, अगर वो क्वेश्चन दी हो तो। अब सवाल ये उठता है कि सर कैश अकाउंट बनाते कब, तो नहीं चीज आगे कैश अकाउंट आपने कब बना लिया मैंने ऊपर लिखवा दिया, इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स then you have to prepare cash account to find total amount of cash sales. इसका मतलब है कि जो expenses आपने pay किए हैं cash की सूरत में वो सारी cash sales नहीं है, wages pay किए हैं ना वो भी cash sales का हिस्सा थे, drawings भी cash sales का हिस्सा थे, और जो cash sales bank में जमा कराया है sales का cash sales का वो हिस्सा जो bank में जमा कराया है वो भी cash sales का हिस्सा, सारी add होके cash sales जाएंगे, देखें trade receivable दिए हुए हैं बिल्कुल, तो आप बनाएंगे अपना आगे वही जो हमारा स्टेप्स चलते हैं, क्या सबसे पहले बनाते हैं SLCA, ऐसे ही है ना जी, फाइंड क्रेडिट सेल्स, वो स्टेप्स हमारे दोबारा हम उन स्टेप्स पर आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा इधर डॉलर के साइन लगा देता हूं, इधर अंत का आ जाते हैं जी ब्रॉड डाउन, ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन है 17,600, इधर आ जाता है जी आपका कैरी डाउन, कैरी डाउन आपका है जी 18,350, ठीक है जी, उसके बाद यहां पे आप क्या जाती है जी रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, पैसे ट्रेड रिसीवेबल से मिले हैं वो आ जाएंगे, देन देखिए पैसे ट्रेड रिसीवेबल से मिलेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे ना कैश की वजह से, ठीक है, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन तो हमने दिए ही हुआ है, और डेबिट साइड पे आप क्या आ जाएंगे क्रेडिट सेल्स, ठीक है जी, तो दोबारा यहां देख लेते हैं ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है जी आपको 17,600,
कैरेटन कितने हैं 18350, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर कितनी है 32,000 पैसे मिले आपको ट्रेड रिसीवर से, तो क्रेडिट चेक पे आप लिख लेंगे 32,000। इसके अलावा सेल्स रिटर्न हो सकती थी, बैडेट्स हो सकते थे, डिस्काउंट क्लाउड हो सकता था, लेकिन फिलहाल सवाल में मौजूद नहीं है। इसका टोटल कर लेंगे हम, से माइनस कर देंगे 17,600, आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई। अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, जो बेसिकली आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। तो मैं यहां लिख लेता हूं जस्ट फॉर द रिमाइंडर, 27,900 + 32,750 जी। PLC में सबसे पहले आपका क्रेडिट साइड पे क्या आता है जी, ब्रॉट डाउन, लेकिन आई विल गो फॉर द डॉलर साइन फर्स्ट, फिर आपका आ जाएगा जी ब्रॉट डाउन। देखते हैं ब्रॉट डाउन कितना दिया है ट्रेड पेबल्स का सवाल में। ट्रेड पेबल्स का ब्रॉट डाउन अल्लाह के फजल करम से दिया है 9750 का, और कैरेट डाउन दिया है 7950 का ब्रॉट डाउन है, 7950 का कैरेट डाउन। अब पेमेंट टू ट्रेड पेबल आपका आ जाएगा जी, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं, जरा क्यों कम है इसलिए। पेमेंट टू ट्रेड पेबल के अलावा इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, सिट्रन आउटवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो वो भी आता, लेकिन फिलहाल क्योंकि मौजूद नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस। तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल देख लेते हैं कितनी दी हुई हमें, पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमें दी हुई, ये ट्रेड पेबल्स जो हमने पैसे दिए। अच्छा देखो कैसी बात है, इसकी एंट्री वही है ट्रेड पेबल्स डेबिट बैंक, अभी बैंक राइट हो रहा है ट्रेड पेबल की वजह से, ठीक है जी, 29,000 की अमाउंट है, इसलिए हम ट्रेड पेबल को डेबिट कर रहे हैं, बैंक की क्रेडिट चेक पे लिखे हैं, तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड पेबल, टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट की डेबिट चेक पे आ जाएगा कितना है, नहीं 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 वो कितना है 29,000 जी, टोटल कितना आ जाएगा जी 36,950, इधर भी आपका आ जाएगा जी 36,950, माइनस कर देंगे हम, क्रेडिट परचेज आ जाएंगी 27,200, ये आपकी क्रेडिट परचेज निकली। क्रेडिट परचेज भी आपके पास आ गई है, क्रेडिट सेल्स भी आपके पास आ गई है। अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें क्या जरूरी चीजें, ठीक है जी आगे नेक्स्ट जी। अब हमने पीएलसी भी बना ली, अब देखते हैं हमको एक्सपेंस इनकम अकाउंट तो बनाना जरूरी नहीं है, इसमें है देखो वेजेस का भी है और रेंट का भी, क्योंकि दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिए हो तो आपको उनके अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो वेजेस का भी बनेगा इसके अंदर, हम बना देते हैं हुआ है भी और रेंट का भी बनेगा। इधर आपका आ जाता है जी अक्रूड ब्रॉट डाउन, देखते उसमें दिया क्या हुआ, पहले वेजेस का क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, वेजेस का ओइंग ही दिया है, ठीक है, तो वेजेस ओइंग ब्रॉट डाउन भी उसके लिख सकते हैं, इसको आप ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं ओइंग कैरेट डाउन लिख रहा हूँ, कितना है जी ओइंग ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन कितना है देख लेता हूँ, ओइंग ब्रॉट डाउन 300 और 450 है, ये आपका 450 है और जो ब्रॉट डाउन है वो आपका 300 है। इधर आपकी आ जाएगी कैश फिगर, इतना कैश आप जो है वो पे कर रहे हैं, वो कितना कैश वगैरह ऊपर दी होगी आपको यहाँ पर, ये हमने पेजेस कितनी पे की है, ये पे की है 9,000, कैश अकाउंट में था ना वो समय,
इसके ऊपर 9000 वहां से आपको पिकअप करनी पड़ेगी। 9000 आ गया, ये हो जाएगा 9450 हो जाएगा जी। इधर भी आपका आ जाएगा जी 9450, और ये यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी। ये आ जाएगी 9150, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है जी, रेंट का अकाउंट बनाते हैं जी हम। ये इनकम स्टेटमेंट है, रेंट का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले डॉलर के साइन डालना चाहे तो ना भी डालना चाहे खैर है। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट पे क्या आ जाएगा, प्रीपेड ब्रॉड डाउन, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, प्रीपेड क्रेडिट डाउन, क्योंकि इसमें वही नहीं दिए, इसमें प्रीपेड दिए, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व जो है वो कर लेंगे। तो देखते हैं प्रीपेड ब्रॉड डाउन कितना है, रेंट का 500 और क्लोजिंग कितना है 700। तो ब्रॉड डाउन हमारा कितना है जी, जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 500 और 700। कैश फिगर आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी, सारी बात है, जितना रेंट आपने एक्चुअली इस साल पे किया है वो रेंट आ जाएगा, और जो रेंट आपने पे किया है वो है 8000। इसका हम टोटल कर लेंगे जी, 8000 है आपका जो रेंट आपने पे किया है, ये आपका आ जाएगा 8500, ठीक है ना जी। इधर भी आ जाएगा 8500, और इनकम सेल फिगर आपकी आ जाएगी 7800, जिसको आप इनकम सेल में लिखेंगे भी एज एक्सपेंस। एक्सपेंस के अकाउंट भी बन गए हमारे, इमेजेस का भी बन गया, रेंट का भी बन गया। अब हमारा अकाउंट रहता है किसका, इक्विपमेंट का। तो इक्विपमेंट का अकाउंट आप बना लेते हैं हम, बन जाएगा हमारा नेटबुक वैल्यू से बनाएंगे इक्विपमेंट अकाउंट, नेटबुक वैल्यू मेथड से। उसमें जो भी आइटम्स आप उठाते हैं वो सब की सब नेटबुक वैल्यू पे होती हैं, और उसका हम अकाउंट बनाते हैं किस, क्या फाइंड करने के लिए, डेप्रिसिएशन फाइंड करने। सबसे पहले उसमें भी ब्रॉड डाउन आ जाएगा आपका, इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, इधर आपका आता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, लेकिन आपने एसेट कोई बेचा नहीं है फिर डेप्रिसिएशन ही आपका आ जाएगा जी। तो ब्रॉड डाउन कितना है जी हमारा, ब्रॉड डाउन हमारा 3900, ब्रॉड डाउन हमारा एसेट का इक्विपमेंट कितना है 11000, और 10500 जो है वो कैरी डाउन है। तो ब्रॉड डाउन आपका है जी 11500 कैरी डाउन है। एडिशन देख लेते, जो नया आपने खरीदा है वो ऊपर लिखा हुआ है परचेज ऑफ इक्विपमेंट बैंक अकाउंट में 2500 था, तो आपने नया खरीदा है वो एडिशन इधर आ जाएगा आपका 2500, और बाकी जो डिफरेंस आप आएगा दैट विल बी योर इनकम स्टेटमेंट फिगर, क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेप्रिसिएशन के नाम से आपने अकाउंट में लिखनी है। ये आपका बन जाएगा 13500 टोटल, भी आपका आ जाएगा जी 13500। माइनस कर दें, डिडक्शन कितनी आ जाती है 3000 इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस में बेसिकली इसको लिखना है। ये भी हमने बना लिया, अब उसने बैंक अकाउंट बनाने को भी हमें कहा है, लेकिन बैंक अकाउंट की बात अभी हम नहीं करते, अभी देखते हैं रिक्वायरमेंट भी क्या कहता है। सेल्स परचेज हमने निकाली, इनकम सेल बनानी है आपने, और आगे उसने बैलेंस शीट भी कह रहा है, ठीक है ना। तो इनकम स्टेटमेंट पहले बनाते हैं, कितना लंबा सवाल है आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट के लिए मुझे इसको तो सारी बातें क्लोज करना पड़ेगा, तो नई नई पेंट शॉप मुझे ओपन करनी पड़ेगी, इसमें मैं कोशिश करूंगा इनकम स्टेटमेंट के साथ ही बैलेंस शीट भी बना सकूँ। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इधर आप क्या जाएंगे जी, इनकम स्टेटमेंट आपने निकाली है वो कितनी आ जाएंगी जी आपकी 60650, राइट।
सेल्स आपके आ जाएंगे जी 60650। इसमें कुछ सेल्स रिटर्न नहीं है, वरना मैं सेल्स रिटर्न में से क्या करता, माइनस करता ऑब्वियसली। इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले जो है वो आपकी आ जाती है ओपनिंग इन्वेंटरी। नहीं purchases और less कर देंगे इसमें से हम closing inventory। देखते हैं opening inventory कितनी हमें question में दी हुई है। opening inventory हमें दी हुई है जी 12,000 की और closing है 11,500। opening inventory हमें दी हुई है जी 12,000 की, closing जो दी हुई है वो दी हुई है 11,500। इसको हम देखते हैं, फिर हम purchase लिखेंगे। purchase कितने की दी हुई है जी, निकाली हमने जी 37,900। आपने लिखी होंगी ना, मैं पीछे से देखना पड़ेगा। देखिए क्रेडिट परचेजेस ही होती है ना। हाँ, क्योंकि परचेज कैश है नहीं। इफ यू वांट मी टू चेक इट आउट आई कैन। ये पीएलसी था ना, 7,200 है यार, मैंने गलत लिखी यहाँ पे। ओह, सारा सवाल करके जाना था हमने। चलो 27,200, चलिए इसका टोटल कर दें, ये माइनस कर दें। पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकालने कितनी आ रही है जी 700। फिर आपका आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें। इसमें से हम लेस कर देंगे जी एक्सपेंसेस। इनकम कोई थी नहीं, डिस्काउंट इसी वगैरह इसमें ऐड होने थे, ठीक है ना, लेकिन इनकम कोई है नहीं मौजूद असल में। आप क्या आ जाएंगे यान वेजेस आ जाएंगे। यान वेजेस हमें दी हुई 9,000, ये नहीं जो हमने निकाली है एक्सपेंस अकाउंट बना के, उसमें वेजेस कितनी है हमारी, वो है वेजेस है जी जी 9,150। रेंट 7,800 का है और डेप्रिसिएशन 3,000 की है। वेजेस है जी आपकी 9,150, रेंट 7,800 का है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है ना कितने की है जी 3,000। इसके अलावा भी तो एक्सपेंसेस हो सकते हैं ना, वो भी देखने पड़ेंगे आपको अकाउंट में। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वे तो आएंगे ना 6,500 के, है ना। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मैं लिखूंगा यहाँ पे। हमने क्या बनानी है जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे जी हम। क्या आ जाएंगे जी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आप क्या आएंगे डॉलर के साइन, नॉन करंट एसेट में देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट है। यहां पर हमें याद रखना है यान की इक्विपमेंट की जो भी वैल्यूज आपने यहाँ उठानी है ना, वो आपने क्लोजिंग डाटा से उठानी है, 31 मार्च 2019 के डाटा से, 16 के डाटा से उठानी है। इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है 10,500 का, वो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस
हो चुकी है, वो दोबारा कर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अपन मैंने लिख दिया, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री सबसे पहले आपकी आ जाएगी जी, वो आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,500। ठीक है जी, फिर उसमें आपकी आ जाएगी जी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवर कितने दिए हुए जी हमें 18,350। फिर आपका क्या आ जाएगा जी कैश एट बैंक है, प्रीपेड तो नहीं था, था मेरे ख्याल है रेंट प्रीपेड भी था, रेंट प्रीपेड कितना है देखते हैं हम, रेंट प्रीपेड हमें दिया हुआ है कितने का जी 700 का। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पर आपको यहाँ क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा, वो तो दिया नहीं हुआ कस्टमर, वो तो खुद निकालना है ना, तो टोटल एसेट्स आपके निकलेंगे ना, तो क्लोजिंग कैश बैंक हम कैसे निकालेंगे, हम चलते हैं वापस सवाल के। देखो डेबिट साइड को ऐड कर दो और क्रेडिट साइड माइनस कर दो, आपको उस कैश का बैलेंस आ जाएगा बैंक, लेकिन शुरू किससे करना है 3950 से। नहीं समझ आई, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉरी यार सबसे पहले जो ब्रॉड ऑन आएगा वो तो लिखना है ना 3950, उसके बाद ऐड करोगे डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट बैलेंस नीचे दिया नहीं हुआ 3950 डेबिट, उसमें सारे ऐड करो डेबिट साइड, क्रेडिट शीट माइनस करो, तो बस बैंक एंडिंग बैलेंस जो है निकल जाएगा 3950 आता है कैश टोटल। ठीक है टोटल छोड़ो, निकालो माइनस करो जी, सॉरी यार स्क्रीन दिखाई नहीं सकता मैं जी, कितना आ रहा है 2050, ये कैश एट बैंक आ गया 2050, टोटल कर दिया इसका चारों का। ठीक है टोटल एसेट्स आप क्या आ जाएंगे जी, मैं कर देता हूँ, आप टोटल करो आप, टोटल एसेट्स आ गए आपके। अब हमने क्या लिखना है जी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इसका आप जो है वो कैपिटल लायबिलिटीज का पोर्शन बना लेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है इसमें क्या आता है, कैपिटल आता है, और कैपिटल तो ओपनिंग हमें दिया हुआ है, लेकिन अगर हम निकाल सकें तो निकाल भी सकते हैं, हमारा कैपिटल वही निकल रहा है ओपनिंग जो कि क्वेश्चन में दिया है 35,000 का, इसमें हम ऐड कर लेंगे जी प्रॉफिट, लेस कर देंगे इसमें से ड्रॉइंग्स 6,500, ड्रॉइंग्स कितनी ज्यादा देखिएगा, ड्रॉइंग्स शायद दो किस्म की भी हो सकती है, एक ड्रॉइंग्स ऊपर दी हुई है नहीं दी हुई, ड्रॉइंग्स एक ही है 11,500, है ना, बैंक ड्रॉइंग्स भी तो हो सकती थी ना, हो सकती थी 11,500। ठीक है जी सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए जी, कितना आ रहा है 53,000। हम बना लेते हैं क्या चीज, करंट लायबिलिटीज जी सर,